नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। मैं आपका दोस्त होस्ट हिमांशु त्रिवेदी आप सभी लोगों के लिए एक और प्रमुख बांधों और नदियों के बीच में रिलेशन लेके आ चुका हूँ। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा एक तरफ बांध लिखे गए हैं, दूसरी तरफ हमारी नदी लिखी है। पहला बांध है हमारा टिहरी बांध और नदी इस पर कौन सी है? भागीरथी नदी। आप समझिए इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। जरा आप अपनी कॉपी पर ऐसा करके टी बनाइए, ठीक? टी बनाया और टी पे क्या है, एक लड़की को भगाइए, लड़की यहाँ से भागी और भागी यहाँ से क्या करी, गिरी, है ना। यहाँ से भागी और यहाँ नीचे गिर पड़ी। तो टिहरी से क्या बना आपका, टी बना और टी पे आपने किसको भगाया था, लड़की को, तो भागी रथी, ठीक। तो टिहरी बांध किस पे हो गया आपका, भागीरथी नदी पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और टिहरी बांध आपका सबसे ऊंचा बांध है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बांध है आपका नागा अर्जुन सागर बांध, नदी है आपकी कृष्णा नदी। अब देखो, नागा अर्जुन में एक वर्ड आ रहा है अर्जुन, क्या आ रहा है, अर्जुन। और अर्जुन की सबसे ज्यादा पटरी किसके साथ खाती थी, कृष्ण जी के साथ खाती थी, है ना। अर्जुन कृष्ण की जोड़ी ही थी पूरे महाभारत युद्ध में, ठीक है। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस पे हो गया आपका, कृष्णा नदी पे हो गया, ठीक है। आगे अलमाटी बांध किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे। अब अलमाटी में एक वर्ड है जो है माटी, है ना। अब माटी कौन खाता था, सबको पता है माटी खाने के लिए सबसे ज्यादा डांट पड़ी है कृष्ण जी की, उनकी माता जी ने उनको पेड़ से बांध तक दिया था, है ना। तो माटी खाने के चक्कर में कृष्ण जी को बहुत बार सजा मिली है, है ना। तो माटी से किसको आप रिलेट कर ले जाओगे, कृष्ण को। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी। आगे देखिए, इडुक्की बांध पेरियार नदी। इडुक्की, डुबकी में एक आपका वर्ड छुपा है डुबकी, ठीक। अगर आपको डुबकी मारनी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, चाहे गूगल पे करो चाहे फोन पे करो, यानी पैसा देना पड़ेगा डुबकी मारने के लिए, समझ गए ना। आगे आइए, अगला आपका भागड़ा नागल बांध। नदी कौन सी आपकी, सतलुज नदी। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, नागल, गल नहीं, अगर गल गया तो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, चलने लायक ये जो सेतु है, मतलब ये जो है ना सेतु है, वो चलने लायक नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि लूज हो जाएगा। सतलुज नदी मतलब लूज हो जाएगा, गल जाएगा, है ना, जब कुछ गल जाएगी तो वो लूज हो जाएगी, ठीक है। आगे आइए, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कावेरी नदी। अब समझो, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, कावेरी, ठीक। कावेरी से आपको क्या करना था, मिट करना था, यानी मिलना था, है ना, कावेरी से आपको मिलना था, लेकिन कावेरी बहुत दूर रहती, तो आपको टूर करके क्या अपना वहां पे जाना पड़ा, है ना, कावेरी से मिलने के लिए आपको टूर करना पड़ा, ठीक। आगे आइए, अमरावती बांध अमरावती नदी, ठीक, ध्यान रखिएगा, अमरावती बांध अमरावती नदी। इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है, वैसे ही आपका जस्ट है कोयना बांध कोयना नदी पे, ठीक। अमरावती बांध अमरावती नदी, कोयना बांध कोयना नदी। एक बार फिर से समझ लीजिए, टिहरी बांध टी को बनाइए, उस पर एक लड़की को भगाइए, और जैसे वो लड़की भागेगी तुरंत नीचे गिर पड़ेगी। तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पे। दूसरा आपका नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन, अर्जुन के साथ हमेशा कौन रहते हैं, कृष्ण जी रहते हैं। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस पे हो गया, कृष्णा नदी पे हो गया। तीसरा बांध है आपका अलमाटी बांध। अलमाटी, माटी कौन खाते थे, कृष्ण जी खाते थे। अब कृष्ण जी माटी खाते हैं तो डांट पड़ती है ना, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे हो गया। दूसरी आपका चौथा है इडुक्की बांध किस नदी पे है, पेरियार नदी। ई डुबकी, डुबकी मारनी थी आपको तो पहले आपको क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा, पैसा देना पड़ा, ठीक है। अगला आपका भागड़ा नागल बांध। भागड़ा नागल बांध, नागल, गल मतलब क्या होता है, गलना, है ना, जब कोई गलती तो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है ना, नरम पड़ जाती है। तो भागड़ा नागल बांध सतलुज नदी। मेट्टूर बांध कावेरी नदी। मेट करना था किससे, कावेरी से, तो आप क्या करके पूरी टूर यानी यात्रा पूरा एक करके गए आप। अमरावती बांध अमरावती नदी, कोयना बांध कोयना नदी। यहाँ पे फ्रेंड एक फैक्ट ध्यान दीजिएगा, अमरावती जो है वो राजधानी प्रस्तावित है आपके आंध्र प्रदेश की, ठीक। लेकिन अगर कभी ये चीज़ पूछ ली जाए, आपको बता दे रहा हूँ मैं, कि अमरावती जो बांध है वो तमिलनाडु में है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा हो सकता है कभी कभी ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन में डाल दे। अमरावती नदी जो है वो अमरावती जो राजधानी है वो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है ना, लेकिन अमरावती जो बांध और नदी है वो दोनों कहाँ है, तमिलनाडु पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका परीक्षा बांध बेतवा नदी। इसका रिलेशन सबसे अच्छी है, परीक्षा, परीक्षा मतलब आपके एग्जाम, और अगर एग्जाम में नंबर आए कम तो पापा बेतन से मरी ही, किससे मरेंगे,
बेत से, बेत जानते हो ना, डंडे से मार पड़ेगी। कब पड़ेगी? अगर परीक्षा में नंबर कम आए। भाई पढ़ किसके लिए रहो? परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो ना, तो अगर परीक्षा में नंबर कम आए तो पिताजी बेतन मारेंगे। ठीक, तो बेत से मारेंगे, समझ गए ना। आगे आइए, मैथान बांध नदी कौन सी है? बराकर नदी। अब मैथान को अगर मैं मैराथन लिखूं, क्या लिखूं? मैराथन। अब मैराथन जो होती है, आपने सुना होगा ना मैराथन क्लासेस, वो बड़ी बड़ी होती हैं। किसी होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी। तो यहाँ पर जो लिखा ना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कर लो इसको, ठीक है। तो मैथान बांध किस नदी पर हो गया? बराकर नदी या बराकर नदी, समझ गए। आप अपने समझने के लिए इसको बराकर नदी समझिए, बराकर समझिए, आपको लिखना नहीं है, वहां पर टिक करना है, ठीक। तो मैराथन बहुत बड़ा होता है ना दौड़ने के लिए, तो बराकर नदी। आगे आइए, रंजीत सागर बांध रावी नदी। रंजीत में आगे रा आ रहा है और रावी में भी आगे रा आ रहा है, तो ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाओ ही मत, ठीक। आगे नेक्स्ट है, हीरा कुंड बांध महानदी। अब देखो हीरा, हीरा मतलब हीरा, आपने सुना होगा, बहुत सबने पिक्चर देखी होगी सूर्यवंशम, है ना। सूर्यवंशम पिक्चर में कौन है? हीरा ठाकुर है, सुना है, देखी होगी, बहुत ज़्यादा सेट मैक्स पे आती है। तो हीरा जो है वो कौन बने हैं आपके? अमिताभ बच्चन बने हैं। और अमिताभ बच्चन को हम लोग कहते क्या है? सदी के महानायक, यही तो कहते हैं ना। तो सदी के महानायक कौन है आपके? अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन ने सूर्यवंशम में एक रोल अदा किया है, वो कौन सा? हीरा ठाकुर का, है ना। तो हीरा तो कौन बन गया आपका? महानदी। समझ गए ना रिलेशन? तीन चार बार सुनोगे आ जाओगे। हीरा, हीरा कौन थे? अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन को हम लोग क्या कहते हैं? महानायक कहते हैं, समझ गए। आगे आइए, आगे आपका सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। एक बात बताओ, सरदार जो है आपके वल्लभ भाई पटेल को हम लोग कहते हैं, ठीक। महात्मा गांधी बारदोलिक महिला ने कहा था उनको। अब सरदार पटेल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन से नाम से जानते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, यही तो कहते हैं ना, आयरन मैन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रहा है? मैन, मैन मतलब क्या होता है? नर या पुरुष। और नर्मदा में भी अगर आप इसको तोड़ोगे तो आगे क्या रहा है? नर, है ना। तो मैन से आप रिलेट कर सकते हो किसको? नर को। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पे हो गया? नर्मदा नदी पे, समझ गए ना। आयरन मैन कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मैन और नर, ठीक। चलिए आगे आइए, आगे है आपका फरक्का बांध किस नदी पे है? हुगली नदी पे। जैसे ही आप हु करते हुए गली में गए, तुरंत वहां लोगों ने क्या किया? चक्का जाम कर दिया। भाई अब हु करके चिल्लाते हुए जा रहे थे और गली में जैसे घुसे लोगों ने वहां पे चक्का जाम कर दिया, बोले अब नहीं आगे जान देंगे, बहुत हु कर रहे हो। तो फरक्का बांध किस नदी पे हो गया? हुगली नदी पे हो गया, ठीक। क्योंकि गली में आप हु करते जा रहे थे, चिल्लाते हुटिंग करते हुए जा रहे थे, लोगों ने चक्का जाम कर दिया, अब जाओ आगे कैसे जाके दिखाओगे, ठीक। आगे आइए, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी। देखो यहाँ पे परीक्षा बांध किस नदी पे था? आपका बेतवा नदी पे था। परीक्षा फेल हो गया तो पिताजी बेत से मारेंगे। अब रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? बहुत तबाह कर रखा था, ठीक है ना, किसको? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को बहुत तबाह कर रखा था किसने? रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने कहा बांध बना दो, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बांध बन गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तबाह करती थी, ठीक। आगे आपका है मयूराक्षी बांध किस नदी पे है? आपका मयूराक्षी नदी पे है। ध्यान गया, मयूराक्षी नदी आपकी हुगली की एक सहायक नदी है और उसी पे आपका मयूराक्षी नाम से बांध बनाया गया। तो अमरावती बांध, कोयना बांध और मयूराक्षी बांध आपके उन्हीं नदियों पर बनाए गए हैं। फिर से सुन लो, परीक्षा में अगर नंबर कम आए तो पिताजी बेतन मारेंगे, ठीक। मैथान को क्या बनाया हमने? मैराथन। मैराथन से क्या बन गया? बहुत बड़ा बन गया, तो बड़ाकर नदी, ठीक है। रंजीत सागर में आगे रहा आ रहा है, नदी में भी रहा आ रहा है। हीरा कुंड, हीरा कुंड, हीरा ठाकुर कौन थे आपके? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हम लोग कहते क्या है? सदी के महानायक। तो महानायक से क्या बना आपका? महानदी, ठीक है। सरदार सरोवर, सरदार को हम लोग क्या करते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। मैन मतलब नर, तो नर से कौन सी नदी बनी आपकी? नर्मदा नदी, ठीक है। फरक्का बांध हुगली नदी, हुटिंग करते जा रहे थे गली में, लोगों ने चक्का जाम के बहुत मारा है, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई सबको क्या करती थी? मतलब अंग्रेजों को तबाह कर रखी थी, तो तबाह, बेतवा, तबाह से क्या बना आपका? बेतवा नदी, ठीक। मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी नदी। तो ये हमारे कुछ प्रमुख बांध थे जो आपके विभिन्न विभिन्न नदियों पे बने हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी और जीएस को समझने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।